आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो आप जो क्वेश्चन हमें गिवन है, उस क्वेश्चन में एक फॉल्टी थर्मोमीटर दे रखा है जो कि मेल्टिंग आइस पॉइंट को, मतलब जहाँ पे आइस मेल्ट करती है उस पॉइंट को 5 डिग्री सेल्सियस रीड करता है और स्टीम के पॉइंट को 99 डिग्री सेल्सियस रीड करता है। तो हमें करेक्ट टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट में, जबकि ये फॉल्टी थर्मामीटर 52 डिग्री सेल्सियस रीड करता है। तो पहले तो मैं इस स्केल, ये जो मेरे को गिवन स्केल है, थर्मोमीटर की जो स्केल है, इसको मैं TS मानते हुए मैं कन्वर्जन स्केल यहाँ पे लिखता हूँ। तो TS का मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 5 दे रखा है, और अपर और लोअर लिमिट कौन सी है, 99 और 55। तो 99 और 5 का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख लूँगा। सिमिलरली सेल्सियस स्केल से इसको रिलेट करने के लिए मैं सेल्सियस स्केल की बात करूँगा। तो TC सेल्सियस स्केल में लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट और लोएस्ट कौन से होते हैं, 100 माइनस 0। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्केल कन्वर्जन का जो फॉर्मूला मेरे पास होता है। ठीक है, किसी भी स्केल को हम इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उस स्केल पे मेरी रीडिंग टी होती है और मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट और मुझे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस नीचे लिखना होता है, और यही सिमिलरली दूसरी स्केल के लिए रिपीट करना होता है। तो इसको मैं कहता हूँ कन्वर्जन फार्मूला। इससे आप किसी भी स्केल का टेम्परेचर दूसरी स्केल के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, मुझे क्या निकालना है, जब मेरी फॉल्टी स्केल 52 डिग्री सेल्सियस बता रही है, तब सेल्सियस में एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, मुझे ये निकालना है। तो मैं TS, जो मेरा स्केल की रीडिंग जो मैं मान रहा हूँ, जो मुझे स्केल गिवन है, यहाँ पे मैं TS के बदले पुट कर दूंगा 52 पुट करते ये हो जाएगा 47/94=TC/100। यहाँ से TC सॉल्व करके आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जब मेरा फॉल्टी थर्मामीटर मुझे 52 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तब एक्चुअल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लूँगा इजीली। कैसे करूँगा देखते हैं। सेल्सियस से मेरे लिए कन्वर्जन फार्मूला क्या है, मैंने पहले से एक बार लिख ही रखा है। फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में लोएस्ट पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट होता है 212 और लोएस्ट होता है 32। तो ये बन गया मेरा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन फार्मूला। यहाँ पे मैं TC की जो डाल दूंगा 50, तो 50/100 हो जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ हो गया। TF-32/180 हो जाएगा, 212-32 180। यहाँ से सॉल्व करने पे TF की वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जब फॉल्टी थर्मामीटर 52 डिग्री सेल्सियस रीड करता है, तब फ़ारेनहाइट में एक्चुअल टेम्परेचर हमारे पास होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।